हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है धवल और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। तो जैसे कि हमें कमेंट आई थी कि आपकी गायों के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, आपके पास कितनी गायें हैं, तो उसके बारे में आज हमें आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आज आपको बात करूँगा हीफर्स की। जो पहले ब्याज की हीफर्स होती है, तो ये नोंजना, इसको जो दूध निकलने के टाइम यहाँ नोंजना बांधना पड़ता है तो बांधने नहीं देती। तो दोस्तों, इसको जब दूध निकलने का टाइम आया तब इसको हमने ये नोंजना बांधने की कोशिश की, रस्सी बांधने की पैरों में कोशिश की, तो ये झट से छलांग मार के ये एक गमाण है तो उसके ऊपर चढ़ गई। तो मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। तो आपको क्या करना है जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा और इसका दूध निकालना है, तो दोस्तों मैंने 15 से 20 मिनट ही लगे, ये देखिए स्पेशल इसके लिए मैंने ये बना लिया। ये हमारी गमाण है, तो यहाँ एक खड़ा कर दिया और ये खड़ा कर दिया और एक ये पीछे, और दोस्तों ये रस्सी से सिर्फ बांधा हुआ है। इसके अंदर मैं लेके आया और इसके अंदर मैंने गाय को, ये जो पहले ब्याज की फर्स है, इसको मैंने कस के बांध दिया और आराम से इसका दूध निकाल लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप परेशान ना हो, ऐसे आपके यहाँ हो अगर ये लाते या कुछ नहीं मारती, 1 से 2 दिन इसको रखना पड़ा इसके अंदर, मगर ये डर गई कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसको आदत नहीं होती दूध निकलने की, इसलिए आप ऐसा उपाय कर सकते हैं जैसा मैंने किया। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगे मेरे को ये करने में। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको हमारी गायों के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको हमारी गायों के बारे में बताऊंगा। तो ये जो गाय आप देख रहे हैं, इसका नाम है मुंडो। तो दोस्तों, ये गाय दूध देते देते ब्याह जाती है, दूधताव यहीं से, गुजराती में हम कहें हमें दूधताव यहीं। तो दोस्तों, बहुत ही शांत स्वभाव की है और इसके नीचे जब ब्याहती है तब 6 लीटर दूध है, मगर ये बहुत ही कम फीड खाती है, चारा भी बहुत कम खाती है। तो इसको हमने लिया था ये बछड़ी को देख के, ये जब छोटी बछड़ी थी तब हमारे पापा को ये बहुत ही पसंद आ गई, ये हमारी मीरा। तब ये हमारी मीरा देख सकते हैं, ये हमारी गाय है मुंडो, इसकी है। इसको हमने 1 साल तक दूध पिलाया और 18 महीने की जब हुई तब ये गाभिन हो गई, अब इसका दूसरा ब्याह है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, ये हमारे घर की गाय काबरी थी, उसकी ये बछड़ी है। तो जो हमारी काबरी गाय थी उसका एक टाइम का 10 लीटर दूध था और इससे भी अच्छी हाइट लेंथ उसकी थी। तो ये जो हमने गाभिन करवाई, इसका फादर है वो भावनगर ब्लड लाइन का है, हमारे पापा है उसके दोस्त है, वहाँ हमारी काबरी को गाभिन करो और इसकी ये बछड़ी आई थी। तो इसने पहले ब्यात में 8 लीटर दूध दिया और दूसरे ब्यात में 10 लीटर, 10 साढ़े 10 लीटर एक टाइम का दूध इसने दिया है और बहुत ही शांत स्वभाव की है। मैं आपको बताता हूँ, इसका दूध निकला गया है, फिर भी आप देखिए इसको, डर को छूंगा तो ये कुछ नहीं बोलेंगी। देखिए एकदम शांत स्वभाव की है दोस्तों। और ये हमारी मीरा, ये भी हमारे घर पर ही यहाँ तैयार हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका दूध 6 लीटर है एक टाइम का, जो मैं आपको दूध बताऊंगा वो एक टाइम का बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके हाइट लेंथ दोनों हमारे घर पर हमने तैयार की और ये हमने बाहर से ली। इसका नाम है बिली
और दोस्तों इसकी हमारे पास दो बछड़िया है, जो वहाँ वाड़ा है वहाँ दो बछड़िया है, एक तो प्रेग्नेंट भी हो गई है। जब ये ब्याती है तब 8 लीटर इसका दूध है। तो दोस्तों ये गाय है, इसका नाम है मोवियावाड़ी, मोविया गांव है वहाँ से हमने ली थी। तो दोस्तों इसके सिर्फ और सिर्फ 3 थन है, एक थन आप देख सकते हैं पीछे वाला बंद हो चुका है, फिर भी जब ये ब्याती है तब 9 लीटर दूध आता है और बहुत ही लंबे टाइम तक अच्छा दूध देती है, दूध काटती नहीं है। तो इसका हमने ब्रीडिंग बुल इसका एक रखा हुआ है जिसका नाम है पोपट पोपटो। तो दोस्तों आप ये देखिए लंबी चौड़ी एकदम, इसकी आप चमड़ी भी देख सकते हैं एकदम शाइनिंग मार रही है। और ये जो आप देखिए बहुत ही शांत स्वभाव की हमारी ये गाय, ये भी आप इसका आर्डर छू लो, इसको जब दूध निकलने का टाइम हो तब इसको आप पैरों रस्सी से बांधो या ना बांधो, नूंजना बांधो या ना बांधो, कुछ नहीं बोलती। तो दोस्तों ये जब ब्याई तो इसका 9 लीटर दूध है एक टाइम का, और ये दूध देते देते ब्या जाती है। इस बार हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही छोड़ा है और चालू में इसका दूध फिर से भरना शुरू हो गया था, तो आप देखिए। और ये हमारे पापा के दोस्त है वहाँ से आई है, कोल की हमारा जो गांव है वहाँ से ये जब हमारे पास आई तो 4-5 दिन के अंदर ही ये गाभिन हो गई, इसकी उम्र बहुत ही कम थी, तो इसलिए आपको हाइट लेंथ में थोड़ी कम दिख रही होगी, दूसरे ब्यात में सही हो जाएगी। तो इसको तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही खूबसूरत बछड़ी को जन्म दिया है लीलड़ी, देखिए इसको हम भरपेट दूध पिलाते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और हमारे पास इसके अलावा और 12 हीफर्स है जो हमारे डेयरी फार्म पर तैयार हो रहे हैं, इसमें से 5-6 गाभिन भी हो गए हैं। तो दोस्तों ये 3 बछड़े हैं, इनमें से 2 को हमने बैल बना दिया है, पहले 2 है उसको हम ही रखने वाले हैं, और उसके बाद है ये पोपट, इसको हमने ब्रीडिंग बुल यहाँ बना रहे हैं। और पीछे ये हमारी जो काबरी गाय थी उसकी ये बछड़ी, हमारी जो काबरी गाय थी उसकी जितने भी बच्चे आए हाइट लेंथ और एकदम ताकतवर सभी बच्चे इसके आए, आप देखिए अभी छोटी है फिर भी ये देखिए, ये बछड़ा है इनसे भी ये छोटी है गाय उम्र में, फिर भी आप देख सकते हैं। और दूसरे हमारे पास जितने भी हिफर से पाडा पाडी सब चरने के लिए गए हैं, 6:30 बजे के आजू बाजू चरने के बाद आते हैं। और आपको मैं हमारा गिर बुल अर्जुन है वो भी दिखा देता हूँ, वो मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं, हमारा गिर बुल अर्जुन है वो। ये बछड़ी देखिए बहुत ही खूबसूरत, हमारे अर्जुन गिर बुल का रिजल्ट आप देखिए। और तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा लीलड़ा गिर बुल अर्जुन है, इसका हेड आप देख सकते हैं बहुत ही चौड़ा, और सिंह की बनावट देख सकते हैं एकदम कान को छूते हुए, और बहुत ही छोटे सिंह, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसका पहला रिजल्ट हमारे डेयरी फार्म पर आ गया है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।